मॉर्निंग क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर इंग्लिश ग्रामर. नेक्स्ट चैप्टर इट इज पंक्चुएशन. पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स. ओके, अब सबसे पहले बात आती है पंक्चुएशन होता क्या है. पंक्चुएशन मार्क्स आर द सिंबल्स यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ लैंग्वेज टू मेक द मीनिंग क्लियर टू द यूजर. वो ऐसे मार्क्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जो हम क्या करते हैं व्हाइल राइटिंग अ लैंग्वेज. कुछ भी लिखते टाइम हमें उसका मीनिंग क्लियर करना होता है, मतलब सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए. ठीक है, उसके अलग अलग मार्क्स होते हैं, जैसे फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, कॉमा होता है, ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होता है, सबसे पहले आता है हमारा नंबर वन फुल स्टॉप. इट इज यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. ये किस लिए यूज किया जाता है, किसी स्टेटमेंट के जब एंड होता है, मतलब कोई सेंटेंस अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका एंड होता है. जैसे हमने कोई सेंटेंस बोला आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये हमारी बात पूरी फिनिश हो गई. उसके बाद में हमें लास्ट में फिनिश कर दिया हमने सेंटेंस, तो लास्ट में क्या लगता है, फुल स्टॉप. शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो. ठीक है, बात हमारी खत्म, फुल स्टॉप. उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क अब हम किस लिए यूज करते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं. जैसे इट इज यूज टू इंडिकेट अ क्वेश्चन और टू एंड और एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जब एंड होता है और किसी से हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क. जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, हमने किसी से क्वेश्चन पूछा, इट मीन्स लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क. फुल स्टॉप नहीं लगेगा, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है. कैन आई स्टैंड देयर फॉर अ मोमेंट, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ा हो सकता हूँ, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगता है. फिर आता है नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क. देखो एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे होता है, बड़ा सा ऐसे डंडा होता है, देन नीचे फुल स्टॉप. ठीक है, एक लाइन करी और उसके नीचे फुल स्टॉप, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन. इट इज यूज टू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इट इज यूज आइदर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और आफ्टर एन इंटरजेक्शन. सेंटेंस जब हमारा फिनिश होता है उसके एंड में हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क. जैसे ये हम बहुत ज्यादा खुशी के लिए लगाते हैं, बहुत ज्यादा दुख होता है तब लगाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तब लगाते हैं. देखो एग्जाम्पल से, व्हाट अ प्रेटी ड्रेस इट इज, कितनी खूबसूरत ड्रेस है ये है. ठीक है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, वाओ इट्स सच अ प्रेटी ड्रेस, वाओ कितनी सुंदर ड्रेस है. ठीक है, यहाँ पे खुशी की बात हुई, अब हम बोलते हैं हुर्रे, वी वॉन द मैच. हुर्रा के बाद हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, वी वॉन द मैच, फिर देन फुल स्टॉप. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉमा. इट इज यूज्ड विद इन अ सेंटेंस टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ मोर देन टू सिमिलर आइटम्स. कब यूज किया जाता है, जब बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं. ठीक है, तो तब हम क्या यूज करते हैं, कॉमा. जैसे आई विल विजिट जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एंड चित्तौड़गढ़ नेक्स्ट वीक. अगर हम यहाँ पे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर इनके बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे तो हमें ये क्या लगेगा, ये सारा एक ही वर्ड है, ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, इसलिए हम इनके बीच में कॉमा लगाएंगे. इट इज यूज फॉर मोर पर्पज दैट विल बी डिस्कस लेटर इन हायर क्लासेस. ठीक है, तो जब हमें थोड़ा सा शॉर्ट पॉज के लिए रुकना होता है तो हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं. ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ, देखो कैसे करना है आपको. ब्रेविया में करना है बेटा ये पंक्चुएशन. आपका वर्कशीट 51 है, इसको फिल करके मुझे सेंड करना है. देखो, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स ओनली वेदर नेसेसरी. कैपिटल लेटर्स लगाने, ठीक है, जब भी कोई पंक्चुएशन करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ध्यान क्या रखते हैं, फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, कोई किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, कैपिटल. जोरावर किसी का नेम है, वैसे भी फर्स्ट वर्ड है, ये क्या आएगा, जोरावर का जे, जोरावर का जे कैपिटल आएगा, बाकी पूरा ऐसे ही आ जाएगा, जोरावर. सो रोहन, रोहन किसी का नेम आ गया तो रोहन का आर बड़ा आएगा, प्लेइंग इन द पार्क. जोरावर सो रोहन प्लेइंग इन द पार्क, देन फुल स्टॉप. नेक्स्ट, वेयर इज सुभाष, सुभाष कहाँ है. अब देखो इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल नहीं है. ठीक है, W कैपिटल आएगा और सुभाष का S कैपिटल आएगा, किसी का नेम है. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर SK जैन. I का फर्स्ट वर्ड है कैपिटल आएगा, फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल आएगा. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर SK जैन, किसी का नेम है, S बड़ा, K बड़ा, जैन का J बड़ा, देन फुल स्टॉप. दे हैव गॉन टू न्यू दिल्ली फ्रॉम चंडीगढ़. दे का T बड़ा, Have gone to New Delhi का N बड़ा, D बड़ा,
क्योंकि किसी का स्टेट का नेम है, ठीक है, फ्रॉम चंडीगढ़, चंडीगढ़ का सी बड़ा, ठीक है, देन फुल स्टॉप. अब देखो, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स, ऐसे ही इसको पंक्चुएट करना है. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली का डी बड़ा आएगा, कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया का आई बड़ा आएगा, ठीक है. इसी तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज को वर्कशीट 51, ये पेज नंबर 146 एंड 147 को करके मुझे सेंड करना है. ओके क्लास, थैंक यू.